ये है एक रोटेटिंग स्पाइस एंड हर्ब रैक DIY, जिसे आप अपने किचन ऑर्गेनाइजेशन में यूज कर सकते हैं एक स्पाइस रैक की तरह, जिसमें आप अपने मसाले रख सकते हैं, या फिर एक हर्ब रैक की तरह। इस तरह के रोटेटिंग रैक को लेजी सूजन भी कहते हैं। आप इसे किचन के किसी भी कॉर्नर में रख सकते हैं। यह दिखने में भी काफी खूबसूरत है और बहुत ही काम की चीज है। इसके रोटेटिंग बेस की वजह से इसपे से मसाले निकालना बहुत ही आसान है। इस DIY को बनाया है मैंने घर में ही रखी कुछ चीजों से। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एक्सप्लोर फॉर मोर विद श्वेता एंड सुरभि, जहां हम शेयर करते हैं आपके साथ कुछ DIYs जिनसे आप अपने घर को इजीली डेकोरेट कर सकते हैं, वो भी बहुत कम खर्च में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस रोटेटिंग रैक के दो पार्ट्स हैं। पहला है रोटेटिंग टेबल या बेस और दूसरा ऊपर का ये रैक। इस रोटेटिंग रैक को बनाने के लिए मैंने यूज की एक प्लास्टिक प्लेट, बाउल, ये चार कैप्स और एक फिजेट स्पिनर। ये स्पिनर मैंने मेरे बेटे के टॉयज में से लिया है। आपको ये इजीली किसी भी टॉय स्टोर पे मिल जाएगा। अब इन सब पीसेस को एक स्ट्रॉन्ग एडहेसिव की हेल्प से एक के ऊपर एक पेस्ट कर देंगे। इन कैप्स के साइड पे मैंने ब्लैक एक्रेलिक कलर किया है। अब लास्ट में इस प्लेट को मैंने एडहेसिव से चिपका दिया है। एडहेसिव को अच्छे से ड्राई होने देंगे। और ये देखिए, रैक के लिए रेडी है हमारा ये रोटेटिंग या फिर स्पिनिंग बेस। अब इसे थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए लगाते हैं इस पे ये वाइट रोप। रोप को मैंने सिर्फ एजेस पर ही लगाया है, बीच का पोर्शन खाली छोड़ दिया है, क्योंकि वहां पर रैक आ जाएगा। इसी तरह से बाउल को भी रोप से कवर कर दिया है। तो इसी के साथ हमारा रोटेटिंग बेस कंप्लीट हो गया है। अब स्टार्ट करते हैं पार्ट टू, जो है स्पाइस एंड हर्ब रैक। यहाँ पर मैंने लिया है एक थिक कार्डबोर्ड और एक एम्ब्रॉयडरी रिंग। इसकी अंदर वाली रिंग का डायमीटर 7.5 इंचेस है। मैंने उससे 1 इंच ज्यादा यानी 8.5 इंचेस के दो सर्कल्स कट कर लिए हैं। अब फेविकॉल की हेल्प से इन दोनों सर्कल्स को आपस में पेस्ट कर दिया है। अब इस सर्कल के एजेस को मास्किंग टेप से अच्छे से कवर कर लेंगे। रिंग को कार्डबोर्ड के सेंटर में रखकर इस तरह से एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। इस सर्कल पे अब मैंने इक्वल डिस्टेंस पे 12 निशान लगा लिए हैं। ये निशान हमने क्यों लगाए हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी, पर उसके पहले हमें चाहिए कुछ आइसक्रीम स्टिक्स, जिन्हें बीच में से कट करके दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। हमें ऐसे 12 पीसेस चाहिए। अब हमने सर्कल पे जो 12 निशान लगाए थे, वहां पर कटर की हेल्प से डीप स्लिट कर लेंगे, जिससे कि जो आइसक्रीम स्टिक्स हैं वो उसमें अच्छे से फिक्स हो जाएं। इस तरह से हम ये सारे 12 स्लिट्स रेडी कर लेंगे। इस कैनवस पैड में से मैंने एक कैनवस शीट ले ली है और कार्डबोर्ड को फेविकॉल की हेल्प से पूरी तरह से कैनवस से कवर कर दिया है। अब इस कैनवस पर भी मैंने स्लिट्स कट कर लिए हैं। अब इन स्लिट्स में एडहेसिव की हेल्प से आइसक्रीम स्टिक्स को अच्छे से इंसर्ट करके फिक्स कर दिया है। ये देखिए, एक एक करके मैंने सारी आइसक्रीम स्टिक्स इसमें लगा दी हैं। जब फेविकॉल अच्छे से ड्राई हो जाएगा तो उसके साथ अटैच करेंगे अब हम एम्ब्रॉयडरी की ये अंदर वाली रिंग।
आइसक्रीम स्टिक्स और ये रिंग आपस में अच्छे से अटैच हो जाएं, उसके लिए मैंने यूज़ किए हैं ये क्लॉथ स्पिन। अब एम्ब्रॉयडरी की बाहर वाली रिंग को कार्डबोर्ड के ऊपर कुछ इस तरह से फेविकॉल से लगा दीजिए। अब स्टार्ट करते हैं रैक को कलरिंग करना। इसके लिए मैंने यूज किया है एक्रेलिक कलर का बर्न्ड सियना शेड। मैंने कलर के दो कोट किए हैं। सेकेंड कोट में मैंने बर्न्ड सियना के साथ ऐड किया है गोल्ड ब्रॉन्ज कलर, जिससे कि एक शाइन आ गई है और एक वुडन लुक भी आ गया है। रैक के सेंटर पोर्शन पर मैंने व्हाइट एक्रेलिक कलर किया है और उस पर मैंने ये हर्ब्स एंड स्पाइसेस का डिजाइन ड्रॉ कर लिया है। इस डिजाइन को अब मैंने एक्रेलिक कलर से पेंट कर लिया है। हर्ब एंड स्पाइसेस के इस रैक पर हर्ब एंड स्पाइसेस की ये ड्राइंग एक परफेक्ट लुक दे रही है। अब ये जो पोर्शन है, इसके साइज का मैंने एक पाइप का टुकड़ा कट कर लिया है और उस पर ये येलो थ्रेड पूरा लपेट दिया है। अब इस वायर की हेल्प से मैंने इसे यहाँ पर अटैच कर दिया है। तो ये बन गया रैक का हैंडल। अब हमारे दोनों पीसेस रेडी हो गए हैं, रिवॉल्विंग बेस और ऊपर का ये रैक पोर्शन। अब करते हैं हम दोनों को असेंबल। मैंने एक एक कार्डबोर्ड का सर्कल कट करके उसे इस प्लेट पर अच्छे से ग्लू कर दिया है और उसके ऊपर इस रैक को भी ग्लू कर दिया है, जिससे कि ये अपनी जगह से हिले नहीं जब हम इसके ऊपर अपने स्पाइस जार्स या हर्ब के जार्स रखें। और लास्ट में लगाएंगे UHP शीट, जिससे इस पे मसालों के कोई निशान न लगे और टाइम टू टाइम इसे हम प्रॉपरली क्लीन भी कर पाएंगे। तो रेडी है हमारा रोटेटिंग हर्ब एंड स्पाइस रैक हमारे किचन को ऑर्गेनाइज करने के लिए। ये जो कलर्ड स्पाइस जार्स आप देख रहे हैं, ये भी एक DIY है। अगर आप इसे सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में लिखकर जरूर से बताइए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। See you in the next video. Till then, bye-bye.